नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 वैकेंसी फरवरी के बाद जिसका अतः पता नहीं था, अंततः आप सभी के सामने बहुत जल्द एग्जाम की डेट लेके आ रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने भी अपने सारे कार्य कंप्लीट कर लिए होंगे। मौका आपको मिल गया था कि बढ़िया आप अपना गेहूं भी काट लो, बढ़िया भूसा वूसा भी रख लो और साथ में जितने भी मामा चाचा बुआ के यहाँ शादियां हैं उनको भी निपटा लो। तो उम्मीद है कि तमाम चीजों से अब आप लोग जब फुर्सत पा गए हो तब अपनी पढ़ाई की तरफ कूच कर दो, क्योंकि ध्यान रखना बच्चों के सिलेक्शन उसी का होता है जो बहुत मेहनत से और निरंतरता बनाए रहता है। मुझे पता है कि आप में से अधिकांश बच्चों का निरंतरता यहाँ पे कहीं ना कहीं भंग हुई है। एक बार आपका पेपर कैंसिल हुआ, वो जोश था पेपर को कैंसिल कराने के बाद, फिर वो जो उल्लास मिला पेपर कैंसिल होने के बाद, एकदम से ऐसा लगा मौज आ गई, सारी गंगा नहा लिए, सारे पाप धुल गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये बात तो तय थी कि आज नहीं तो कल दोबारा पेपर होना था। उन्होंने बोला था 6 महीने के अंदर, किन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात किया जाए, उन्होंने बोला कि 6 महीने के अंदर करा लिया जाए। फरवरी से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक 6 महीना होगा और वो बिल्कुल अपने बात पे काबिज हैं। ये जो आपकी परीक्षा है, कभी भी जैसे ही आपका चुनाव खत्म होता है, मतलब आप मोस्ट एक्सपेक्टेड बोल सकते हो कि जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह के बीच में आपका पेपर हो जाएगा और उसकी तैयारियां कितनी जोरों से है वो मैं आपको यहां पे बता दूं। ये अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है नोटिस, इसके बारे में आपको कुछ समझा देता हूं कि आप देखोगे जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया, ये यूनिवर्सिटीज में या फिर जो कॉलेजेस में क्या जाते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से जो भेजा जाता है कि भाई हमें पेपर कंडक्ट कराना है। पहली बात तो बहुत सारा बीच में हुआ था पेपर ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, पेपर ऑफलाइन हुआ था तो पेपर ऑफलाइन ही होगा, उसमें 99.99% चांस है आपका कि आपका पेपर ऑफलाइन ही होगा। और उसकी जोर जोर से तैयारियां भी आप देखोगे, विषय उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्तियों की लिखित परीक्षा के हेतु परीक्षा केंद्रों के संबंध में, इन्होंने विभिन्न परीक्षाओं लिखा है, लेकिन विभिन्न परीक्षाओं में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सबसे पहले आता है। उसके बाद भी अन्य परीक्षाएं जैसे यूपीएसआई, एएसआई है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, बट ये सारे आपके सीबीटी मोड में होने, इस बात को ध्यान में दीजिएगा। कृपया उपर्युक्त विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा अनुभाग 1 के पत्र संख्या दिनांक 14 मई 2024 सपठित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के पत्र संख्या ये दिनांक 30 अप्रैल 2024 छायाप्रतियां संलग्न है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्तियों की लिखित परीक्षा के परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के क्रम में विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों से संबंधित कतिपय सूचना निर्धारित प्राप्त करने पर उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त विद्यालयों के प्राचार्य प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुक्रम में अपने अपने महाविद्यालय से संबंधित सूचनाओं का अधोलिखित गूगल लिंक के माध्यम से प्रत्येक दशा में 3 दिनों के अंदर पूरित करने का कष्ट करें, जिससे सूचनाएं संकलित करके शासन को प्रेषित की जा सके। और ये वो गूगल फॉर्म के माध्यम से क्या है, फॉर्म भरना है, इस गूगल फॉर्म को खोल के, अगर इस लिंक को आइए खोल के देखा जाएगा, उसमें तमाम चीजें पूछी गई है कि भाई कितनी सीटें हैं, कितना आपके यहाँ कैपेसिटी है, कैसे आप करा सकते हो, यही सारी चीजें उसमें पूछी गई है, सूचना इन्हें देना है। और इससे ये पता चलता है कि भाई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने अपने सारे बैकग्राउंड में क्या कर दिए, फिर से स्टार्ट कर दिए और इस बार बहुत ही कड़ी सतर्कता के साथ ये पेपर करवाना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो ये वायरल नोटिस हो रही है, वायरल नोटिस आती कहां है, अब आप इससे आइडिया लगा पा रहे हो, चाहे महाविद्यालय चाहे विद्यालय लेवल पे, ये बहुत गोपनीय होता है, ये इंटर, इसे सर्कुलर बोलते हैं, ये क्या होता है, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ही ये सारी चीजें होती हैं। इसका मतलब ये कभी बाहर नहीं आता, कहीं पब्लिक नोटिस कभी आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, कभी आपको पब्लिक किसी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। अगर ये हमारे हाथ तक आता है, इसका मतलब कि अंदर बैठे कोई लोग इसे क्या कर देते हैं, आराम से इसे बांट देते हैं, आराम से इसे निकाल देते हैं, गोपनीयता भंग कर देते हैं। अब चाहे वो भर्ती बोर्ड के वो सोकार्ड अधिकारी होंगे, जो ये अधिकारी बोल दो, या फिर क्लर्क लेवल पे बोल दो कि जो इस पे कार्य कर रहे होंगे टाइपिंग वगैरह, वो लोग इसको वहां से निकालते हैं, या फिर महाविद्यालय में किसी क्लर्क लेवल पे या फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ये चीजें आउट होती हैं, आउट तो हो रही हैं। और ये अभी भी बताई जा रही है कि अगर ये सारी चीजें बाहर आ रही है तो अभी फिर से क्या चांस है कि दोबारा आपका जब पेपर हो तो वहां पे पेपर फिर से लड्डू की तरह बट ना जाए और यहाँ पे भंडारे की तरह प्रसाद ना बन जाए। ये बात अभी भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन
मार्क लगा हुआ है। हालांकि देखा जाएगा हमारा मेन हमारा प्रथम उद्देश्य है कि तैयारी करना, तैयारी कराना। और इस बार अब आप मान के चले कि जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के पहले वीक में आपका पेपर हो जाना है। आपके पास समय जून और जुलाई दो महीने मतलब कि 45 से 60 दिन अब से लगभग मिलेगा। तो अभी जो भी कभी सो रहे हो या निश्चिंत बैठे हो, अब आप लोग अपनी पढ़ाई को एकदम धार दे दो, क्योंकि एक जो मौका आपको मिला है ये मौका हाथ से मत जाने दो। ये मौका गया तो जीवन में बहुत पछताओगे। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तैयारी परीक्षा प्रेस के द्वारा निशुल्क कराई गई थी, और इसके द्वारा जैसे ही आपके डेट आती है हम लोग एक बहुत बेहतरीन क्रैश कोर्स भी लेके आएंगे जिसमें आपको तैयारी करने में बहुत मदद मिलेगी। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।